और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम फार्मूला मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फंक्शन लाइब्रेरी में सबसे पहले आपके पास इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन में आपके पास जितने भी फार्मूले हैं इनके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल से रिलेटेड है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपने अब देखिए फाइनेंशियल को मैंने सिलेक्ट किया था लास्ट टाइम, तो ये इंसर्ट फंक्शन में फाइनेंशियल आ जाता है। अगर मैं यहाँ से इसी तरह मैं जो है तो लॉजिक को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करता हूँ, तो देखें लॉजिक से रिलेटेड आ जाते हैं सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन। इसी तरह यहाँ पे ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे हमने इन सब फॉर्मूलेस पे हम काम कर चुके हैं, जो कि होम में हमने ऑटो सम के ऊपर जब काम किया था उसमें हमने ये सारे फार्मूले देखे थे। इसी तरह यहाँ पे रिसेंटली यूज जो अभी हमने फार्मूले यूज किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सारे फार्मूले, मेरे तो इतने खास कॉन्सेप्ट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो जो लोग अकाउंटिंग से अटैच हैं उन लोगों को इसके ये सारे फार्मूले उनको पता होंगे कि किस तरह काम करेंगे। और उसके बाद है लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल जितने भी काम होते हैं ये आपस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लॉजिकल फंक्शन सारे यूज किए जाते हैं, तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो ये मुझे इन चीजों के कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको कंप्लीट आज के लेसन में डिटेल से समझाऊंगा लॉजिकल पे काम करेंगे। इससे टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड हम सारे के सारे फार्मूले नेक्स्ट करेंगे, डेट एंड टाइम से रिलेटेड करेंगे, और उसके अलावा मोर फंक्शन में जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ जो है तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो हमने करने इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो इन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेसन में सबसे पहले मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझाता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल काम कैसे होते हैं। तो लॉजिकल कोई भी फार्मूला जो यूज होता है वो दो चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर दो इनपुट या काफी सारी इनपुट के बीच में से किसी एक आउटपुट को आपने सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं। लॉजिकल फंक्शन में दो चीजें यूज होती हैं। लॉजिकल फंक्शन कंप्लीट जो है तो ये बाइनरी नंबर पे होता है, जीरो एंड वन पे होता है, सिर्फ जीरो और वन पे सिर्फ काम करता है। जीरो जो होता है ये ऑफ के लिए काम करता है या फिर फॉल्स के लिए काम करता है, ऑफ पोजीशन के लिए काम करता है या फिर फॉल्स के लिए, जबकि वन जो होता है ये ऑन के लिए काम करता है या फिर ट्रू के लिए, ट्रू के लिए काम करता है या फिर ऑन के लिए। जीरो और वन बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम है, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे बाइनरी नंबर में ही होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, जिसमें ए एक इनपुट ए दी हुई है, एक बी दी हुई है। ये लॉजिकल ऑपरेटर जितने भी है ये ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स ऑर गेट के लिए यूज होते हैं। ऑर गेट बेसिकली क्या काम करता है, ऑर गेट में मेरे पास दो है ए एंड बी, ये दोनों इनपुट है और सी आउट, ये मीन आउटपुट है। जीरो जीरो वन वन ए की इनपुट है, बी की इनपुट है जीरो वन जीरो वन। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना या इन दोनों की आउटपुट निकालनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जीरो में पहले ही बता चुका हूं, जीरो बेसिकली फॉल्स होता है और वन ट्रू होता है, या फिर जीरो ऑन के लिए यूज होता है और वन ऑफ के लिए यूज होता है। डिजिटल जितना भी कंप्यूटर या डिजिटल जितने भी डिवाइसेज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वन मीन डिजिटल या फिर बाइनरी नंबर पे वो काम करते हैं। अब उनके लिए इसी तरह के गेट यूज होते हैं, इसके अलावा गेट्स के अलावा रजिस्टर यूज होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर यूज होते हैं, काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज होती हैं जो कि डिजिटल जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनके लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले मेरे पास आर है, आर ऑपरेटर जो आपके पास होता है, आर आर का सिंबल क्या होता है और कैसे यूज होता है मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये आपने मैथ में पढ़ा भी होगा। लॉजिक गेट
बेसिक लॉजिक गेट में देखें, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और यहाँ पे एक्स और गेट, ये ई और इसने लिखा हुआ, एक्स और गेट इसको कहते हैं और एक्स नॉर गेट कहते हैं इसको। एक्सक्लूसिव, ई का मतलब है एक्सक्लूसिव, नॉर गेट एक्सक्लूसिव और गेट। ट्रुथ टेबल्स का बना हुआ देख सकते हैं। अब ये एंड गेट का सिंबल ये ए और बी दो इसकी इनपुट है और ये आउटपुट, आगे इसकी आउटपुट है। इस और गेट की ये दो इनपुट है और आगे आउटपुट है। और इसी तरह आपके पास नॉट गेट है, एक इनपुट और एक आउटपुट होती है इसमें, और नैंड गेट और ये सारे गेट होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो इससे सिंबल होते हैं, आप सर्च कर लें इंटरनेट पे। अब जो और गेट होता है, बेसिकली और गेट एडिशन का काम करते हैं। मीन जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो के इक्वल होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे फॉल्स, इसमें जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। इसके जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट करके जीरो कामा जीरो करेंगे तो ये आपस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इससे जो फॉर्मूला है यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद लॉजिक में जाएं, लॉजिक में आप फॉर एग्जांपल ये और गेट है, और के लिए मैं और पे क्लिक करता हूँ और आ गया। और लॉजिक वन, वन इनपुट क्या है आपका, जीरो है ये वाली, सेकेंड इनपुट क्या है आपका, जीरो। ओके करें, फॉल्स आ गया जीरो जीरो। देखिए मैंने कहा जब जीरो इनपुट आते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो इसका फॉल्स आपका आउटपुट आ जाती है। इसे जीरो प्लस वन जो है, जीरो को वन के साथ ऐड करें तो वन आ जाता है, तो वन बेसिकली ट्रू होता है। इसी तरह आप यहां पे दोबारा इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ट्रू हो गया देख सकते हैं। इसी तरह वन प्लस जीरो, ये भी आपका ट्रू ही होता है, इक्वल टू और, या फिर यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर लें लॉजिक में जाए और यहां पे और, वन इनपुट है एक और एक है आपस, जीरो टू आ गया देख सकते हैं। इसी तरह इसको भी अगर आप देखें तो ये भी आपस क्या आ जाएगा, वन प्लस वन एडिशन में टेन के इक्वल होता है, मीन यहां पे वन के इक्वल आ जाएगा। यहां पे वन प्लस वन क्योंकि हमने दो ही इनपुट रखनी होती है, वन प्लस वन वन के इक्वल है, ये भी टू आ जाएगा। यहां पे लॉजिक में जाएं और आर पे क्लिक करके वन वन टू हो गया देख सकते हैं, टू टू। ओके यहां पे आप देखें तो यहां पे आपस क्या है, जीरो प्लस जीरो। एंड जो होता है ये बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करता है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो के इक्वल होता है। अब यहां पे एंड के आप एंड ऑपरेटर यूज करके देख ले, लॉजिक ऑपरेटर, यहां पे एंड पे क्लिक करता हूं, जीरो जीरो, ये फॉल्स ही रहेगा आपके पास, फॉल्स आ गया। इसे जीरो प्लस वन बेसिकली क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही रहता है। और यहां पे मैं इसको भी जो है तो लॉजिक ऑपरेटर एंड जीरो वन फॉल्स हो गया देख सकते हैं, क्योंकि जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही हो जाता है। वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू एंड फॉल्स आ गया देख सकते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, टू हो गया देख सकते हैं। अब इसी तरह नॉट जो होता है, नॉट गेट, नॉट बेसिकली क्या करता है, इन्वर्टर का काम करता है, मीन जीरो को वन में कन्वर्ट कर देगा, वन को जीरो में कन्वर्ट कर देगा, तो नॉट इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। आप यही जो नॉट है, जब ये और गेट के साथ ये नॉट गेट लगता है तो ये एक्स और गेट बन जाते हैं। एक्स और गेट का जितनी भी आउटपुट होती है वो इसके उलट होती है, तो यहां पे जीरो फॉर एग्जांपल तो इसके नॉट यूज करते हैं, लॉजिक लॉजिक नॉट, अब नॉट में क्या है, जीरो है, टू हो गया देख सकते हैं, जीरो क्या है, हालांकि वन होना चाहिए, टू हो गया देख सकते हैं। मीन कि जीरो जो है ये फॉल्स है, फॉल्स को इसने इन्वर्ट कर दिया और यहां पे क्या लिया, ट्रू लिया है, और जीरो जो है ये बेसिकली टू है तो इसको ये फॉल्स कर देगा, इक्वल टू नॉट, फॉल्स हो गया देख सकते हैं। इसी तरह यहां पे एक्स और गेट है,
एक्स और गेट में ये क्या करता है कि ए एक्स और गेट जो है ये क्या करेगा, इसको ऑलरेट करेगा जीरो। अब एक्स और गेट का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, एक्स और गेट के आगे जो है तो एक इन्वर्टर लगा दिया जाता है। वो इन्वर्टर काम ये करता है कि जीरो और जीरो प्लस जीरो जीरो मेन फॉल्स आ जाता है और फॉल्स को इन्वर्ट कर देगा क्योंकि एक्स जो है बेसिकली ये इन्वर्टर का काम कर रहा है। अब जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया और जीरो का अगर आप इन्वर्टर लगा दे तो जीरो इन्वर्ट होके वन आ जाएगा। मेन जीरो प्लस जीरो यहां पे जो तो फॉल्स है तो यहां पे ट्रू हो जाएगा। इसके लिए यहां पे मैं जाता हूं लॉजिक में और यहां पे कहां पे जी एक्स और पे क्लिक करता हूं। देखिएगा जीरो जीरो, अब जीरो जीरो क्या फॉल्स है, जीरो जीरो ओके करता हूं मैं यहां पे। अब यहां पे क्या आ गया, ये फॉल्स हो गया, ये एक्स और मैंने यहां पे कौन सा यूज किया जी और गेट एक्स और, जीरो जीरो फॉल्स आ गया, जीरो और वन करके देखते हैं सॉरी यहां पे क्या है, ये जो होता है ये नॉर गेट का काम होता है, नॉर एन ओ आर नैंड और नॉर नॉर का काम होता है। मैं यहां पे इक्वल टू अगर नॉर करता हूं फॉर एग्जांपल देखते हैं नॉर बेसिकली यहां पे मेरे ख्याल से नहीं है नॉर गेट नॉर नहीं यहां पे लॉजिक ऑपरेटर में और है नॉट ओके नॉर नहीं है यस। यहां पे क्या करेगा, इसमें ये होता है कि जो सेम इनपुट है जीरो और जीरो ये सेम है, जो सेम होंगी उनका ये फॉल्स करेगा और जो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास इनपुट होगी उनको ये ट्रू कर देगा। देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू एक्स और करता हूं, ये एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट जीरो जीरो ओके ये फॉल्स आ गया। अब ये क्या है डिफरेंट है अब इनपुट तो ये क्या कर देगा इनको ट्रू कर देगा, इक्वल टू एक्स और देखें ट्रू कर दिया डिफरेंट क्यों ट्रू कर दिया। अब यहां पे भी सीधा देखें इक्वल टू एक्स और ट्रू हो गया। अब ये दोनों सेम है, ऊपर वाली जीरो जीरो सेम है, ये भी सेम है तो सेम जो होंगे इनको ये क्या कर देगा फॉल्स कर देगा। देख सकते हैं अब जो सेम इनपुट है उनको क्या कर दिया इसने फॉल्स कर दिया, जो डिफरेंट है जो क्या कर दिया इसने इनको क्या कर दिया ट्रू कर दिया। इसी तरह इसमें और भी एक्स और के अलावा आपके पास जो होता है नॉर गेट होता है नैंड गेट होता है। अब नैंड और नॉर यहाँ पे इस लॉजिक फंक्शन में यहाँ पे नहीं दिए गए तो नैंड एंड नॉर जो होते हैं इनके साथ इन्वर्टर लगा होता है, अगर वन है तो वन को जीरो में कन्वर्ट कर देगा, जीरो है तो वन में। अगर इसी के साथ एंड के साथ नैंड अगर आप अटैच कर लें और के साथ नॉर अटैच कर लें यहां पे साथ एंटर करके आपको बताता हूं यहां पे कर लेते हैं जी और के बाद यहां पे कर लेते हैं नॉर और एंड है एंड के बाद यहां पे कर लेते हैं जी नैंड। मैनुअली आपको बताता हूँ यहाँ पे नॉर। अब नॉर जो होगा नॉर क्या करेगा, ये सी आउट है नॉर की। अब ये जो जीरो जीरो फॉल्स है इसको ये ट्रू कर देगा, नीचे ट्रू है इसको फॉल्स कर देगा, इसको भी फॉल्स कर लेगा और इसको भी फॉल्स कर देगा। मीन कि जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा, जो ट्रू होंगे उनको फॉल्स कर देगा। सर नैंड में भी यही होगा, क्योंकि इनके साथ ये इन्वर्टर लग जाता है, ये वाला नॉट ये इन्वर्टर लग जाता है। इन्वर्टर क्या करेगा, ये जो फॉल्स है इस फॉल्स को ट्रू कर देगा, ये भी जो फॉल्स है इसको ट्रू कर देगा, ये फॉल्स है इसको ट्रू कर देगा और ये जो ट्रू है इसको फॉल्स कर देगा।
इसके इनपुट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे इन्वर्टर ने काम किया, जीरो को क्या कर दिया इसने, ट्रू कर दिया। हालांकि जीरो फॉल्स के इक्वल होता है, और जीरो किसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और वन को फॉल्स कर दिया, वन को फॉल्स कर दिया। तो ये लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिक ऑपरेटर का फंक्शन होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ये लॉजिक ऑपरेटर्स बेसिकली ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो लोग जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन लोगों को इसकी सही समझ होगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा जिन्होंने इस चीज को, जिन्होंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं पढ़े या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।